उमरगाम तालुका के खतलवाड़ मनिकपुर रोड पर आई हुई विवा कंपोसाइट पैनल कंपनी ने सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम धजिया उड़ाई। वहीं उमरगाम पुलिस ने चुप्पी साधी। आखिर क्यों मौन? क्या नियम सिर्फ गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं? अमीरों को कोई पूछने वाला नहीं, जबकि वलसाड़ कलेक्टर ने अभी कुछ दिनों से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया और कई गाइडलाइन जाहिर की। रात 8 बजे से सख्त लॉकडाउन की घोषणा की, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। नो सोशल डिस्टेंस, ना चेहरे पर मास्क, और उस पर छोटे छोटे बच्चों को भी उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। रात के 11 बजे पुलिस को फोन पर सूचना देने के बावजूद भी पुलिस मौके पर पहुंचना मुनासिब नहीं समझती। कंपनी के आजू बाजू बसी बस्ती और गांव में कई लोग कोरोना महामारी से परेशान हैं। वहीं ऐसे कांड हो रहे हैं, लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखना यह है तंत्र इन सब पर क्या कार्यवाही करता है, कंपनी और देर रात तक चल रही डीजे पार्टी पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या प्रशासन इन अमीरजादों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही करेगी, क्या इन पर कोई एक्शन होगा। जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हर पल की खबर हमारे माध्यम से सीधे आप तक लेकर आते हैं पब्लिक वॉइस न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पब्लिक वॉइस वापी રાતના 11:30 વાગી ગયા છે હમણાં. અહીંયા આ વિવા કંપની ખતરવાડ માણેકપુર રોડ પર આવેલી છે. અહીંયા ડીજે પ્રોગ્રામ ચાલે છે હમણાં 11:30 વાગે રાત્રે. લોકડાઉન હોવા છતાં 50-60 લોકો છે, પણ અહીંયા કોઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ નથી અને કોઈ માસ્ક બી નહીં પહેર્યા નથી. ડાન્સ પાર્ટી ચાલે છે અહીં. આટલા મોડે સુધી આવો ડીજે પ્રોગ્રામ ચાલે છે તો પોલીસ કેમ કંઈ પગલાં લેતી નથી? કાયદો કેવળ આપણા જેવા ગરીબ લોકો માટે છે કે પછી આ કંપનીવાળા માટે પણ છે? અમે અહીંયા બાજુમાં જ રહેતા છીએ વિવાહ કંપનીના. એ લોકો જ્યારે આપણા ગરીબ માણસના ત્યાં લગ્ન હોય ત્યારે એ લોકો છે 8 થી 8:30 વાગે બંધ કરાવી દે. આવા કંપનીવાળાને કંઈ નિયમ લાગે કે નહીં લાગે એ ખબર નથી પડતી, એટલે પોલીસવાળા કંઈ એક્શન લેતા નથી એવું લાગે છે હમણાં. તો તમે કોઈએ પોલીસને જાણ કરી હતી? અમે જાણ કરી હતી પોલીસને. 1 કલાક થઈ ગયો છે, હજુ સુધી પોલીસ નથી આવી. અત્યારે કેટલા વાગે છે? અત્યારે 11:30 વાગી ગયા.